भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज कृष्णमचारी श्रीकांत का गुस्सा टीम इंडिया पर फूट पड़ा है। श्रीकांत ने भारतीय टीम को सेंचुरी में मिली हार के बाद आड़े हाथों लिया है। श्रीकांत ने रोहित की पलटन को टेस्ट और T20 क्रिकेट में ओवररेटेड भी करार दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्व खिलाड़ी का कहना है कि क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में वर्ल्ड क्रिकेट पर टीम इंडिया ने विराट कोहली की कप्तानी में ही राज किया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्ट मैच से पहले भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर कृष्णमचारी श्रीकांत ने बड़ा बयान दिया है। श्रीकांत ने बताया कि भारतीय टीम को क्यों साउथ अफ्रीका में हार का सामना करना पड़ा है। श्रीकांत ने ये भी कहा, अगर भारत को वापसी करनी है तो एक बात का खास ध्यान रखना होगा। श्रीकांत ने एक ओर तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं तो दूसरी तरफ विराट कोहली की कप्तानी की खूब तारीफ की है। दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज से केप टाउन में खेला जाएगा। श्रीकांत ने भारतीय टीम को लेकर कहा कि इसमें कोई आशंका नहीं है कि भारत एक मजबूत टीम है, लेकिन भारत को T20 और टेस्ट में ओवररेटेड किया गया है। भारतीय टीम T20 और टेस्ट में उतनी मजबूत टीम नहीं है जितना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम का दौर तब था जब विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान थे। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज जीती। इसके अलावा भारत को इंग्लैंड में भी विजय मिली। ये सब विराट कोहली की कप्तानी के दौरान हुआ था। कोहली की कप्तानी में साउथ अफ्रीका में भारत ने संघर्ष किया था, लेकिन अब सेंचुरियन टेस्ट में भारत को करारी हार मिली है। इससे साफ है कि श्रीकांत रोहित की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं। श्रीकांत ने कहा कि ICIC रैंकिंग में भारत का दबदबा रहा है। पिछले 3-4 सालों में भारत ICIC रैंकिंग में हमेशा से नंबर 1 या नंबर 2 पर कायम रहा है, लेकिन हमें इन रैंकिंग से ऊपर उठने की जरूरत है। अगर भारत ICIC रैंकिंग में नंबर 1 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बहुत अच्छी टीम हो गए। अच्छी टीम बनने के लिए हमें रैंकिंग से ऊपर उठने की जरूरत है। श्रीकांत ने कहा कि हालांकि भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में दोनों बार फाइनल खेली है, लेकिन एक बार भी जीत नहीं पाई है। आप ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।